Good morning, children. How are you all? Are you all fine? Very good. Children, today we will learn something new. Okay? As usual, we will learn something new. आज हम रोज की तरह कुछ न्यू सीखने वाले. Okay? So all are excited? Very good. Repeat the date after me. Today's date is 5.8.2020. Today's day is Wednesday. आज कौन सा दिन है? Wednesday है. And month is August. अभी कौन सा महीना चल रहा है? August का महीना चल रहा है. और date क्या है? 5. Okay? 5 August. Okay. Now let's warm up. हम क्या करेंगे? जैसे ये दोनों कर रहे हैं ना, girl and boy, वैसे हम करेंगे. क्या करना है हमें? Right leg उठाना है ऊपर और fingers से left hand के right leg के toes touch करने. फिर left leg उठाना है और right hand के toes, right hand के fingers से वो toes को touch करना है. इसे क्या कहते हैं पता है आपको? हाई स्टेप मार्च कहते. जैसे ये गर्ल एंड बॉय कर रहे हैं, आपको सेम वैसे ही करना है. ओके? वेरी गुड. चिल्ड्रन, पहले हम अभी एक्टिविटी करेंगे. ओके? तो एक्टिविटी में हमें क्या करना है? हमें रंगोली लेनी है एक प्लेट में. ओके? रंगोली तो सबके घर में होती है ना, कलरफुल होती है या तो व्हाइट कलर में होती है ना. कल ही हमने कलर सीखे थे, तो वैसे कोई भी कलर की हम रंगोली लेंगे. मैंने यहाँ व्हाइट कलर की लिए. आई रिक्वेस्ट पेरेंट्स कि वो अपने चाइल्ड के साथ बैठे जब वो ये एक्टिविटी करते रहेंगे. ओके? तो हम क्या करेंगे? पहले इस रंगोली में हम पैटर्न्स ड्रॉ करना सीखेंगे. ओके? यूजिंग अवर फिंगर्स. तो पहले हम इंडेक्स फिंगर लेंगे राइट हैंड का एंड वी विल स्टार्ट. पहले हम स्टैंडिंग लाइन बनेंगे. स्टैंडिंग लाइन. ओके? ये क्या है? स्टैंडिंग लाइन है. यू हैव टू ऑल्सो मेक दिस. ओके? नाउ वी विल मेक अ स्लीपिंग लाइन. ये स्लीपिंग लाइन है. हम और ट्राई करते हैं. ओके? ये स्लीपिंग लाइन हमने बनाई इसमें. नाउ we will try making circles in this. Circles, see? ऐसे हमें सर्कल्स इसमें बनाने. जो आपको आता है आप वो बनाइए इसमें. ओके? एंड ट्राई. आपको ये रोज थोड़ा थोड़ा ट्राई करना है. ओके? ओके. नाउ लेट्स स्टडी. ओके? आपको पता है हमने पहले जो लेटर्स सीखे थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, उसके बाद जो लेटर आता है उसका नाम है के. ओके? जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये के लेटर है. पता है आपको? के सेस क. के सेस क. ओके? ये मम्मा के है और ये बेबी के है. बेबी के, मम्मा के. मम्मा के कौन सा के है? ये मम्मा के और ये बेबी के. केसेस क. रिपीट आफ्टर मी. मम्मा के, बेबी के. केसेस क. केसेस क. क एज इन काइट. क एज इन काइट. केसेस क. क एज इन की. की मतलब क्या पता है आपको? की मतलब चाबी. जो हमारे घर को होती है ना, लॉक की चाबी होती है, पापा के गाड़ी की होती है चाबी, उसे की बोलते हैं इंग्लिश में. और काइट तो सबको पता ही होगा, काइट हम लोग
उड़ाते हैं, पता है ना सबको, ऐसा रहता है कलरफुल सा, सब उड़ाते होगे ना। ओके, केसेस क, क एज इन कीवी। कीवी पता है सबको क्या है? कीवी एक फ्रूट है, पता है बहुत हेल्दी होता है ये फ्रूट। बाहर से ब्राउन कलर का होता है और अंदर से ऐसा ग्रीन कलर का होता है, जेली जैसे। ये कौन कौन खाता है ये फ्रूट? किसको किसको पसंद है? वेरी गुड, सबने खाना चाहिए ये फ्रूट, बहुत हेल्दी होता है ये हमारे लिए। ओके, केसेस क, एज इन किड, किड मतलब पता है आपको क्या? किड मतलब छोटा बच्चा, जैसे आप लोग हो स्क्रीन पे तो जो दिख रहे हैं ना आपको, गर्लर बॉय, वो भी क्या है आप जैसे छोटे छोटे, तो उन्हें क्या कहते हैं इंग्लिश में? किड बोलते हैं। ओके, एक रहा तो किड बोलेंगे और ज्यादा रहा तो किड्स बोलते हैं। ओके, केसेस क, एज इन किड्स। केसेस क, एज इन कीबोर्ड। कीबोर्ड मतलब पता है आपको क्या? ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, कंप्यूटर है आपके घर पे? किसी के घर पे होगा, किसी के घर पे नहीं होगा। जो कंप्यूटर को होता है ना, ऐसे बटन्स होते हैं इसमें बहुत सारे प्रेस करने, उसे कीबोर्ड कहते हैं। हमारे पापा का जो लैपटॉप होता है ना, पापा के पास होगा ना, किसी के पास घर पे, लैपटॉप को भी ऐसा कीबोर्ड होता है, पर वो उसको जॉइंट होता है पूरा। ओके ओके, केसेस क,